नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की वजह से नाराज चल रहे पूर्व सपा नेता की लंबे समय के बाद दोबारा समाजवादी पार्टी में हुई वापसी। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे शखावत खान स्थानीय नेताओं के रवैये से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसी बीच वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी में की वापसी। कन्नौज से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। आज सपा पार्टी कार्यालय में आपका स्वागत हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सपा में आए गए हैं, सपा में पुराने जुड़े रहे, बीच में एक इलेक्शन में चले गए थे। क्या कारण रहा? पुराने रहे सपा में। क्या कारण रहा था? कुछ वजह थी ऐसी, कुछ ऐसे पार्टी के लोग थे उनसे नहीं पटरी खाते चले गए थे। ऐसा तो नहीं सपा का पल्ला भाई देखते हुए आप शामिल हो गए? सपा से हमेशा रहे, सपा में आए, अपने घर से गए, फिर अपने घर में आएंगे। अध्यक्ष जी, आज पार्टी सपा कार्यालय में किस तरीके से लोगों का सम्मान किया गया है? आज तमाम लोग जो है, जो हमारे पार्टी के पहले से रहे शखावत भाई, वो आज अपने घर वापसी करी है और सैकड़ों लोगों के साथ में वो आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करा है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ शखावत भाई के साथ में जितने भी लोग आए, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं देखा जाए, पहले बताया जाता है कि मुलायम के करीबी होत रहे हैं और काफ़ी समय से इनका चेहरा देखने में नहीं मिला सपा में, क्या कारण था? देखिए, कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि शायद हम में कमी रही हो या हमारे लोगों में कमी रही हो, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के आधार पे बदलाव होते रहे। आज जो है परिस्थितियां ये हैं कि आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देख रहा है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की उम्मीदें लगी हैं अखिलेश जी के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ से लेके नौजवानों को साथ लेके बेरोजगारी को लेके जो तमाम समस्याएं आज पैदा हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ एक ही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी।